शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीड़ी मजदूर कॉलोनी के पास 270 से ज़्यादा मकानों का निर्माण किया गया है। पिछले 4 सालों से लोग इन मकानों में रह रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा समस्या बारिश के दिनों में होती है। पक्की सड़क न होने के कारण बरसात में रोड दलदल में बदल जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों में निवास कर रहे लोगों ने बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी पीने को लेकर समस्या है। 270 मकानों के बीच पानी के लिए केवल एक हैंडपंप लगा है। सुबह से लेकर शाम तक हैंडपंप पर पानी के लिए लंबी लंबी कतार लगी रहती है। नगर पालिका ने यहाँ पाइपलाइन तो डाली है, लेकिन आज तक उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया। इसके अलावा कई मकानों का निर्माण अब तक अधूरा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मकान के नाम पर आवास तो मिल गया, लेकिन यह मूलभूत सुविधाएँ नहीं है। टीकमगढ़ सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आवास योजना में ढोंगा में जो मकान बनाए गए थे, लेकिन आज उन्हें रोड की सुविधा मिली, लाइट ऑफ मिली, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनके द्वारा आपसे गुहार लगाई गई, ऐसे में आप क्या करेंगे? उनके द्वारा निश्चित तौर पर ही वैसी आचार संहिता खत्म होगी। हमारा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो कॉलोनी बनी है, उसमें चाहे रोड, लाइट, पानी, बिजली, जो भी मूल्य सुविधा है, उन्हें सब वही उपलब्ध कराई जाएगी। कहाँ रहती हैं? आवास कॉलोनी ढोंगा। क्या समस्या है आपको? लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है और रोड की भी समस्या है। जब पानी गिरता है तो जब भर जाता है, नाली की भी समस्या है। जब नालियां भर जाती हैं तो सब दरवाजे में आता है। अच्छा, यहाँ पानी की कहाँ व्यवस्था है आपकी? कैसे आप लोग पानी? टैंकर आता है, 2 दिन में भी आता, 4 दिन में भी आता, कभी नहीं भी आता तो परेशान होते हम लोग। है एक हैडपम्प है इधर, वो भी दूर है, वहाँ जाते हैं सब लोग, वो भी ख़राब हो जाए तो फिर बैठे रहते हैं। लगभग कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ 200 आदमी। पानी की काफ़ी समस्या है, बहुत समस्या है। शिकायत की आपने इसके बारे में? समस्या की है लाइट के लिए, पावर हाउस में भी समस्या की है, पानी के लिए भी की है। तो क्या सोल्यूशन निकला? तो उसमें टैंकर भेजे जाते हैं, पर कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। मतलब एक हफ्ते में कितने दिन आते हैं? एक हफ्ते में 2 दिन। नाम घनश्याम दास प्रजापति है और मैं आवास कॉलोनी में रहता हूँ 5 साल से। क्या समस्या आप लोगों को यहाँ पर? सर समस्या जी है कि सर यहाँ पे हम लोग को आवास तो मिल गए हैं सर मोदी जी की तरफ से, वो आवास पे हम लोग रह भी रहे सब लोग हैं, लेकिन सर यहाँ पे ना तो कोई नाली की परेशान वो सुविधा है। पानी जब देखो बरसात में बहता रहता है, निकलने भी बहुत परेशानी होती है, और मतलब कोई पूजा के लिए कहीं जा रहा तो पूरा में मतलब गंदगी के वाला पैर पूरे ख़राब हो जाते हैं। ना तो यहाँ पर कोई सड़क है, ना कोई कुछ है सर। पीने की पानी की परेशानी ये है कि यहाँ पे मतलब टैंकर आता है, 2-3 दिन में एक बार टैंकर आता है। कभी उनको फ़ोन लगाते हैं तो बताते हैं कि वो कहाँ वहाँ पे मतलब ड्यूटी लगी है, तो वहाँ पे वो टैंकर लगा हुए तो आ नहीं पाएगा, थोड़ी वो दिक्कत ये है या वो कुछ भी होती है मतलब दिक्कत, तो वो बता देते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे भी रहने वाले हैं जो यहाँ मकान छोड़कर किराए से रह रहे हैं सुविधा ना होने की वजह से? नहीं सर, वैसे तो का नाम के आवास तो बहुत लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर पानी सुविधा है नहीं है, इसलिए कुछ लोग यहाँ आना भी नहीं चाह रहे हैं। बोल रहा कि यहाँ पे कोई पानी है नहीं है, क्या करेंगे? पानी होगा तो पीने के लिए, तो मतलब नहाने धोने के लिए व्यवस्था होगी, बच्चों को पीने के लिए होगी, और साफ़ सफाई से रह पाएंगे। जब पानी ही नहीं है तो क्या नाम के नहाएंगे वो धोएंगे क्या, मतलब शौच के लिए जाएंगे क्या, कपड़े धोएंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।